नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज। आज के इस वीडियो में सीखेंगे आईपी कैमरे का नाम कैसे चेंज करते हैं लैपटॉप से। तो लैपटॉप पे हम आ चुके हैं और हमने सेम नेटवर्क में कनेक्ट हो गए हैं और हमें आईपी पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो SADP टूल जो होता है विजन कैमरों के लिए होता है उसको हम ओपन करेंगे। तो ओपन कर लिया है, थोड़ा समय लगेगा। तो यहाँ पे सारी आईपी आपको दिख जाएंगी। आईपी फटाफट हम देख ले रहे हैं और ये आपके जो है NBR लगे हुए हैं, उसके बाद कैमरे लगे हुए हैं। तो हम सबसे पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर या कोई ब्राउज़र ओपन कर लेंगे और यहाँ पे हमें अगर NBR को लॉगिन करना है तो NBR की फटाफट हम आईपी डालेंगे। सो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो हमने 106 आईपी डाली और यहाँ किया कैंसिल, यहाँ डाला यूजर नेम और आपने डाला पासवर्ड। कर लिया लॉगिन, तो ये हमारा NBR है। तो हमने इसको लॉगिन किया है, तो इसमें देखिए आपको पहला कैमरा पार्किंग एग्जिट का है, IPC कैमरा 1, और ये देखिए पार्किंग लिखा हुआ IPC। इसको अगर चेंज करना है तो इसको भी चेंज कर सकते हैं। कैमरा 1 लिखा है 01, तो उसको भी चेंज करना है उसको चेंज कर सकते हैं। और लिफ्ट का दो कैमरे हैं, दो लिफ्ट लगी हुई हैं, इनके भी नाम हमें चेंज करने हैं। तो यहाँ पे फिर से आईपी डालेंगे, दूसरे NBR की आईपी है ये। यहाँ डालना है एडमिन और यहाँ पासवर्ड डालना है। लॉगिन करेंगे यहाँ पर, तो ये हमारा NBR दूसरा लॉगिन हो गया है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये कैमरा चल गया, कैमरा 01, कैमरा 01 ये भी है। तो दोनों लिफ्ट के चल गए हैं। अब हमें रिनेम करना है कैमरे को, तो कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे क्योंकि अब हमको रिनेम करना है। तो रिनेम करने के लिए आईपी पता होना चाहिए कैमरे की। तो यहाँ पे हम जाएंगे फिर कैमरा मैनेजमेंट में। तो यहाँ पे जो पहला कैमरा था आपका वो देख लिया है, दूसरा कैमरा भी देख लिया, उसकी आईपी आपको पता होना चाहिए। जो आईपी है यहाँ पे आप डालेंगे तो आपकी कैमरे की जो आईपी है 2 है। इसको लॉगिन करेंगे, सेम पासवर्ड है जो NBR का पासवर्ड होगा वही आपका कैमरे का पासवर्ड है, इसीलिए 1 टच पे आपके कैमरे रन कर जाते हैं। अलाउ कराएंगे यहाँ पर, उसके बाद अपडेट का नो करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, कैमरा हमारा लॉगिन हो गया है। और उसके बाद जाएंगे आप इवेंट के ऊपर, आप देखेंगे इमेज होगा, इमेज पे क्लिक करेंगे और OSD सेटिंग में क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे ये देखिए लिख कर आ रहा पार्किंग, तो यहाँ पे ब्लॉक लिख लेंगे, यू ब्लॉक की पार्किंग है। ऐसे पार्किंग नहीं समझ में आता कहाँ का कैमरा है। और यहाँ पे कर देंगे सेव, तो यू ब्लॉक की पार्किंग सेव हो गई है। और हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दूसरा कैमरा हम लॉगिन करेंगे, फिर से इसको लॉगिन करेंगे एडमिन, पासवर्ड जो भी है आपका, लॉगिन पे क्लिक करेंगे और फिर से जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में, इसको अलाउ करा लेंगे।
कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करेंगे यहाँ पर। और उसके बाद जाएंगे आप इमेज में, इमेज में जाने के बाद ओएसडी सेटिंग में क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए कैमरा 01 लिखा हुआ है, यहाँ पे आप नाम डाल देंगे, उसके बाद आप सेव कर देंगे। सो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।